जय हिंद एवरी वन वेलकम अगेन टू पैट टॉटिक आई एस और अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना फ्यूरियस फाइव और फ्यूरियस फाइव नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े बढ़ गए हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ टॉपिक यू यहाँ पे द हिंदू में है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगे तो क्वेश्चन भी बढ़ गए और प्रैक्टिस करते रहने से ही आपके पास क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा ज़्यादा है तो दिस इज गुड फॉर यू एज वेल सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और प्लीज़ उसको आप पॉज करके आंसर दीजिएगा मैं कंटिन्यूटी में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा लेकिन आपको पॉज करके आंसर दीजिएगा बेस्ट थर्टी सेकंड फोर्टी सेकेंड जो यूपीएससी प्रीलिम्स में टाइम मिलता है प्लीज टेक योर टाइम एंड आफ्टर दैट प्लीज गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन शुड बी टेकन वेरी केयरफुली क्योंकि अब कहीं ना कहीं सात आठ नौ दस क्वेश्चन हो रहे हैं तो मंथली बेसिस पे आपके पास थ्री क्वेश्चन है और ईयरली बेसिस पे नियर अबाउट आपको कुछ नहीं तो uh,

ये सेकंड वाला तो गलत हो गया क्योंकि सभी स्टेट के पास अपने अपने एक्ट हैं तो पहला सही है क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में ही स्टार्ट हुआ था क्योंकि जब ये जो किंग इनको अपना लैंड जब उसको इनका अपोज करता था तो जब भी वो टेरिटोरियल एनेक्सेशन करते थे तो किंग के लैंड को वो लोग नजूल लैंड में ला देते थे तो ये ए ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर उत्तर प्रदेश हरियाणा हिमाचल प्रदेश ये स्टेट्स हैं हाउ मेनी ऑफ द स्टेट है उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरीबल ओके तो यहाँ पे वली वन वाली टू वाली थ्री ऑल द फोर करेक्ट आंसर इसमें तो हमने देखा है उत्तर प्रदेश फिर हरियाणा

टू बोथ एंड नॉट तो दूसरा हमने देखा है कि बिल इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रिब्यूनल है और ट्रिब्यूनल का जो हेड होंगे वो चीफ जो रिटायर्ड जज होंगे ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो होंगे तो पहला तो सही है डायरेक्टली अलाउ डायरेक्टली कॉन्फिसन की बात नहीं कर रहा है वो कह रहा है कि उन पे फाइन लगाएंगे उनसे हम कंपनसेशन लेंगे कॉन्फिशिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात तो नहीं है तो ये वाला गलत हो गया तो बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल अबाउट लॉज सिमिलर टू द उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट दे एक्टेंस द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी राइटर्टी दे माइट द फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट दे इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग दे प्रमोट कम्युनल हारमोनी यहाँ पे तो हम देखते हैं कि ये तो गलत हो गया क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं पे पे है 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 कि ये तीनों right to protest एक तरीके से है, uh, implicitly. तो कहीं ना कहीं अगर हम प्रॉपर्टी को ऐसे अलाउ करेंगे कि uh, एक तरीके से आर बीट दी तो जो uh, आप कह रहे की जो इन्वॉल्व होगा कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो सकता है तो पहला जो है इनकरेक्ट हो गया सेकंड विल बी करेक्ट इसी को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर इंपैक्ट आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन

उसके लिए हम पोलिटिकल इक्वालिटी का भी ये प्रिंसिपल है तो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इसीलिए ज्यादा थर्टी वन क्वेश्चन नंबर राज्यसभा वोट सिस्टम इंप्लाइज दैट एन एम एल एन कास्ट वनली वन वोट इन राज्यसभा इलेक्शन एन एमएलए कोटा नीडेड टू इलेक्ट ए कैंडिडेट एन एम एल एज इज काउंटेड ऑफ ऑफरेंस ऑल एम एल एज मस्ट वोट फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम देयर स्टेट यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसफरेबल वोट का मतलब ही क्या होता है कि अगर किसी को कोटा से ज्यादा वोट मिल जाए कोटा है, है ना जैसे कि चार मेंबर हैं उसमें होता है कि अगर आपको अगर टोटल 400 है और उसमें से से को करना है तो कहीं कहीं ज्यादा आपको आपको मिल गया तो आप आपको गया तो तो आप इलेक्टेड लेकिन वन आ जो अधिक हो रहा है ना से ज़्यादा वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे प्रिफरेंस को जो आप में, जैसे इसमें होता है कि एक आपको लिस्ट दी जाती है उसमें 1, 2, 3 लिखा जाता है जैसे मैं मेरा पहला प्रीफरेंस अगर मेंबर 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 हुए हुए मेरा दूसरा बी तो को अगर बीस इक्कीस हो गया जो उनका कोटा है वो हो गया सेलेक्टेड उसके बाद जो ज्यादा हो रहा है वो सेकंड प्रीफरेंस जो लिखा हुआ है उसको पहला प्रीफरेंस देके उसमें काउंट होगा तो कहीं ना कहीं ये बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन

तो दिस इज़ यल अबाउट हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन ऑल द बेस्ट जय हिंद